देखिए एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी इसमें आगे बोला गया है कि साइड एबी पे कोई पॉइंट डी है और एसी पे कोई पॉइंट ई है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अगला कंडीशन दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये जो है डी बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया और एरिया ऑफ ई बी सी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। अगर हम डी ई को ज्वाइन करते हैं, डी ई को ज्वाइन करते हैं, सपोज यहाँ पे डॉट लाइन ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिए, तो आपको देखने से आप क्या लगता है, इधर का अगर आप भूल जाए तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे दो लाइन है, एक डी ई और एक बी सी। डी और बी सी दो लाइन है जिसके बीच दो ट्रायंगल बना हुआ है और ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, बेस बी सी पे ही दो ट्रायंगल है, डी बी सी ई बी सी, और दोनों सेम लाइन के बीच में है डी ई और बी सी। तो आपको याद होगा सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल अगर दो ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, बट यहाँ पे एरिया इक्वल दे दिया है तो नेचुरली अगर ऑपोजिट वे में देखेंगे तो डी और बी सी क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तभी तो दोनों का एरिया इक्वल है, बिकॉज बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट देखिए आप लिखेंगे ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी आर बिटवीन सेम टू लाइंस डीई एंड बीसी, डी एंड बीसी के बीच में ये दोनों ही ट्रायंगल्स हैं, क्लियर है। कुछ भी नहीं करना है, क्लियर है।